नमस्कार आदाब। आज के क्राइम पेट्रोल सतर्क के इस एपिसोड में मैं अनूप सोनी आप सबका स्वागत करता हूं। इंसान तिनका तिनका इकट्ठा करके अपना घर बनाता है, एक परिवार बसाता है, अपनों की हंसी में अपनी खुशियां ढूंढता है, लेकिन कई बार उनकी खुशियों को शायद किसी की नजर लग जाती है और वो मासूम लोग जो कभी किसी का बुरा नहीं चाहते कोई उनके साथ बुरा कर जाता है। अरे सुनो। हाँ? अपना टिफिन भूल गए, ये रोज की तुम्हारी आदत हो चुकी है। अच्छा कोई बात नहीं, सॉरी। वाह भाभी, क्या कमाल खाना बना हुआ है, मतलब मजा ही आ गया। सच में बहुत ही टेस्टी खाना है। तुम्हारी भाभी खाना तो बहुत अच्छा बनाती है, बस जबान ही थोड़ी कड़वी है। क्या भाई साहब आप भी, रहने दो रहने दो, मुझे किसी की तरफदारी की जरूरत नहीं है। और है मेरी जबान कड़वी, कम से कम मीठी मीठी बातें करके किसी के पीठ पर छुरा तो नहीं भोंकती। आदि उठ गया, मैं भी उसे देख कर आती हूँ। इसीलिए तो कहता हूँ तुम लोग आते रहा करो, बच्चे की किलकारी से घर भरा भरा लगता है। भैया भाभी आप लोग बच्चा क्यों नहीं कर लेते? भाई मैं तो रेडी हूँ कब से, लेकिन ये बात तुम अपनी भाभी को समझाओ। समझाना क्या है, नहीं हो रहा बच्चा तो नहीं हो रहा। भाभी आपके मेडिकल कंडीशंस के बारे में पता है मुझे, पर क्या है कि अभी तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, अगर उसे भी नहीं होता तो बच्चा गोद ले लेते। मैं अपनी हेल्थ पर कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, और गोद लिया हुआ बच्चा गोद लिया ही होता है। भाभी पर देखिए भाई साहब को, बच्चे से कितना लगाव। हाँ लेकिन मुझे नहीं पसंद है। हाँ भाभी लेकिन बच्चा होना या नहीं होना ये तो पति और पत्नी दोनों के डिसीजन पे डिपेंड करता है। जब पति या पत्नी के डिसीजन पे डिपेंड करता है तो फिर हम दोनों पे छोड़ दो ना, तुम क्यों बीच में बोल रहे हो? चलें। हाँ चलते हैं। खाना तो खत्म कर लो। खा लिया भैया, पेट भर गया। हाँ हाँ बिल्कुल, चलो रुको मैं बाहर छोड़ के आता हूँ। अमर भैया भाभी की बात का बुरा मत मानना, तुम्हें तो पता है। अरे भैया किसी बात कर रहे हैं आप, मुझे तो भाभी का नेचर पता है, ज्यादा मत सोचिए। तो बारिश हो रही है, थोड़ी देर रुक जाते हैं फिर बाद में चले जाना। नहीं उतनी नहीं हो रही भैया, आराम से बैठ गए। चलो बाय बाय, जल्दी आना फिर। क्या जरूरत थी हमसे ऐसे बात करने की? फिर तो वो हमेशा बेकार की बात क्यों बोलता है, जब देखो एक ही बात के लेके शुरू हो जाता है। मेरी सास है क्या वो? तुमसे तो बात करना बेकार है। अबे पागल है क्या? ठीक हो तुम? हाँ आदि ठीक है? आदि सो गया? सो रहा है। काजल मुझे लगता है कि हम लोग को गाड़ी ले लेनी चाहिए, आज देखा ना क्या हुआ। मैं तो कब से कह रही थी तुम्हें, आज अगर कुछ अनहोनी हो जाती तो मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र है। मुझे तुम दोनों की, मुझे डर इस बात का लगता है कि तुम दोनों का ख्याल कौन रखेगा अगर मुझे कुछ हो। ऐसी बात सपने में भी मत करना, गुजरे वक्त को पलट के आने में देर नहीं लगती, पता नहीं किसकी बदुआ हमारा पीछा कर रही है। हेलो
अरे बाबा आ जाए, आइए आइए। बाबा आज आपने फिर से सिगरेट पिए? कहाँ? झूठ मत बोलो बाबा, मुझे जुकाम नहीं हुआ है। वो तेरे दिनकर चाचा मिले तेरे, उन्होंने एक कश दिया तो ले लिया, उसमें गया है। अस्थमा है आपको, डॉक्टर ने साफ साफ मना किया सिगरेट पीने के लिए, आप फिर भी सिगरेट पी रहे हो। ये कैसे कुछ नहीं होता, ये देख 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 मैं क्या लाया हूँ, मच्छी फ्राई। जा प्लेट ले गया। बस घुमा दी ना बात, अभी भी आप मुझे बच्चा ही समझते हो। तू बच्चा का है, बाप जैसे डांटता है मुझे। जा प्लेट में डाल के ला, जा जा जा। ठीक है मैं परोस के लाता हूँ। मैं अभी उसको पता करूं। मैडम मेरे बेटे का कुछ पता चला मोहित का? गोपाल जी आपको बोला ना, जब पता चलेगा आपको बता दिया जाए। आप ठीक से ढूंढ नहीं रहे, ठीक से ढूंढिए ना उसे। अरे काका आपको बोला ना एक बार, अभी जाइए यहाँ से, जब पता चलेगा बता देंगे। अरे ऐसे कैसे जाए, मेरा बेटा लापता हुआ है, आप तो कुछ करते नहीं सिर्फ बैठे रहते हैं। आपको कोई सगा अपना वाला कोई गायब होगा ना, तब आप लोग को समझेगा कि बाप का दर्द क्या होता है। ये कौन है? सर इनका नाम गोपाल शिंदे है, 2 साल पहले इनका बेटा कहीं चला गया। पुराने सर ने काफी इन्वेस्टिगेशन की पर कुछ पता नहीं चला, पर ये है कि मानने को तैयार ही नहीं, अक्सर पुलिस स्टेशन के चक्कर लगाते हैं। अब इनका बेटा लापता है तो परेशान तो होंगे। गोपाल जी आप एक काम कीजिए, आप घर जाइए, हम नए सिरे से इन्वेस्टिगेशन करेंगे, कुछ पता चलेगा आपको बुला लेंगे। अरे कुछ नहीं होगा किसी से, कुछ नहीं होगा। इनके बेटे की फाइल रीओपन करो। सब्जी लेने मार्केट गई थी, मैंने बताया तो था। गई थी या मार्केट सजाने गई थी? किसके साथ मुंह काला करके आ रही है? दिखा दिखा दिखा, कहाँ निशान है? कहाँ निशान दिया होंगे ना तेरे आशिक ने तुझे? कहाँ पर दिए? कहाँ निशान है? पीछे निशान है, कहाँ पर निशान है? गलत समझ रहे हो तुम। फोन क्यों बनता तेरा? देखो मैंने फोन बंद नहीं किया था, बैटरी खत्म हो गई। कमर पे दिखा कहाँ पर है? गर्दन पे दिया क्या? कहाँ निशान दिया? जल्दी दिखा, उधर दिया। अरे सुनो, क्या हुआ? आप अपना टिफिन बॉक्स तो भूल ही गए। ओह सॉरी सॉरी सॉरी, थैंक यू। कल की तरह मुझे टिफिन भरा हुआ नहीं चाहिए। बिल्कुल पूरा खत्म करना। एक सेकंड बाबा, किसका फोन आ गया? अरे मधु। हाँ मधु। चीजा जी आप प्लीज मुझे यहाँ से लेकर जाइए। क्या हुआ, तू रो क्यों रही है? अब मैं इस आदमी के साथ एक पल में नहीं रहूंगी, प्लीज लेकर जाइए मुझे, नहीं रहना यहाँ पे। देख मधु तू चिंता मत कर, ठीक है मैं आ रहा हूँ अभी तुम्हारे घर तुम्हें लेने के लिए, तू सामान पैक कर ले। जल्दी आइए। चलो पीछे हो जाओ, चलो आगे हो। फोन किसने किया था? साहब मैंने फोन किया था, ये रास्ते पे बेहोश पड़ा था और ये उसी की बाइक लगती है। बाइक वाट वो बाइक चेक करो और बैग भी चेक करो। वो बाइक ये तो मर गया सर। अभी अभी कर्डे का फोन आया था, उसे 28 से 30 साल के एक आदमी की बॉडी मिली है, उसने उस बॉडी को हॉस्पिटल भेज दिया है। और कुछ आइडेंटिफिकेशन मिला? नहीं सर, सिर्फ उसकी बाइक मिली है। पता करो किसके नाम पे। ठीक है सर।
क्या हुआ दीदी, फोन नहीं लग रहा? कब से तेरे जीजाजी को फोन करने की ट्राई कर रही हूँ, फोन ही नहीं लग रहा है उनका, स्विच ऑफ आ रहा है। इतना परेशान मत हो दीदी, आ जाएंगे। तेरे जीजू ने कभी ऐसा नहीं किया है, लेट होता था तो वो इन्फॉर्म कर देते थे, पर अब तो फोन ही स्विच ऑफ आ रहा है। तेरे जीजू का मैसेज कहा है कि आने में देर होगी, तुम लोग सो जाना। देखा कहा था ना आ जाएंगे, अभी सो जाओ। जी लो, आप भी सो जाओ। कौन हो तुम? दीदी, 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 क्या हुआ? इतना चीख क्यों रही थी? वो मैंने बुरा सपना देखा इसके लिए। दीदी जीजू कहाँ है? आई नहीं वो अब तक। जैन सर। जी। सर कल जिस आदमी की बॉडी मिली थी उसका नाम अमर था। 6 महीने पहले उसकी कंप्लेंट आई थी इसी पुलिस स्टेशन में। किस बात कंप्लेंट? किसी ने गला रेत कर उसे मारने की कोशिश की थी। ये उसका एड्रेस है सर। 6 महीने पहले उसको किसी ने जान से मारने की कोशिश की और अभी 6 महीने के बाद उसको किसी ने जान से मार दिया। उसके घर वालों को बुलाओ। ठीक है सर। सर मैं ठीक है नंतर कर। सर अमर की पीएम रिपोर्ट। सर उसकी मौत शाम को 5 बजे से 7 बजे के बीच में हुई है हार्ट अटैक की वजह से। लेकिन ये हार्ट अटैक नेचुरल नहीं था सर, बल्कि उसे डिफरेंट कंपोजिशन का केमिकल इंजेक्ट किया गया था जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। पता करो इस कंपोजिशन का केमिकल कहाँ यूज होता है और ये भी पता करो ये आम आदमी खरीद सकता है। अमर के घर वालों को बुला। ठीक है सर। अभी इस वक्त तो ये बात करना ठीक नहीं है लेकिन फिर भी पूछताछ तो करनी होगी। आपके पति अमर, इनकी मौत हार्ट अटैक से नहीं हुई बल्कि उनका मर्डर हुआ। जिस दिन अमर का मर्डर हुआ उस दिन वो कहाँ गए थे? सर ये मेरी बहन मधु विरार में रहती है, उस दिन अमर इसे ही लेने गए थे लेकिन कुछ देर बाद ये अकेले घर आ गई तो मैंने इससे पूछा कि अमर कहाँ पे है। तब इसने बताया कि अमर इसे घर के बाहर छोड़कर ऑफिस निकल गए। जब रात तक वो घर नहीं आए तो मैं परेशान हो गई, उनका नंबर ट्राई करती रही लेकिन उनसे कांटेक्ट नहीं हो पाया। 6 महीने पहले भी उनके जानलेवा हमला हुआ था। जी सर। सर यहाँ की पुलिस ने पूरी छानबीन की लेकिन कुछ पता नहीं चला। एक मिनट, आपने कहा वो हमला आपके सामने हुआ था तो आप बाइक का नंबर या वो हमलावर को देख नहीं पाई? सर ये सब कुछ इतनी अचानक हुआ कि मैं बाइक का नंबर नहीं देख पाई और हमलावर ने भी हेलमेट पहना हुआ था। क्या अमर की किसी के साथ दुश्मनी थी? नहीं सर, वो तो बहुत अच्छे इंसान थे, लड़ाई झगड़े से तो हमेशा दूर रहते थे, बस घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, फैमिली, यही उनकी दुनिया थी। सर उस वक्त पुलिस ने पूरी छानबीन की लेकिन कुछ पता नहीं चला तो उन्होंने कहा कि यह हमला पैसों के लिए हुआ होगा। अमर ने भी यही कहा। पैसे? पैसे मतलब? उस दिन जब घर से ऑफिस जा रहे थे तो उनके बैग में ऑफिस के 2 लाख रुपए कैश थे। आप यकीन के साथ कह सकती हैं कि अमर किसी के साथ दुश्मनी नहीं थी? आप कुछ कहना चाहती है? सर
मधु का पति गगन और अमर दोनों की आपस में नहीं बनती थी, क्योंकि गगन मधु को मारता पीटता था और अमर को ये बात अच्छी नहीं लगती थी। अमर इसे अपनी छोटी बहन मानता था और अब एक साल पहले अमर ने मधु की शादी कराई और शादी के बाद गगन इसे परेशान करता था, मारता था, पीटता था और ये बात अमर को अच्छी नहीं लगती थी कि वो उसे अपनी छोटी बहन की तरह प्यार करता था। इसी वजह से गगन को अमर से जलन होती थी। और गगन, 15 दिन का ट्रिप कैसा रहा? बहुत मजे किए होंगे ना? नहीं, मैंने तो कोई मजे नहीं किए, लेकिन पता नहीं कौन इस घर में मेरी पीठ पीछे क्या क्या मजे कर रहा था। अरे मधु, तुम ठीक हो? तुम वहां बनने वाली? हाँ। मैं तो था नहीं यहाँ पे, और एक महीने से मैंने तुझे हाथ भी नहीं लगाया। किसका बच्चा है ये? देखो तुम गलत समझ रहे हो, किसी का बच्चा नहीं है, मेरी तबीयत खराब है और कुछ नहीं है। दिमाग खराब है तेरा? कोई अपनी पत्नी से ऐसे बात करता है? जब इतनी प्रॉब्लम है तुझे तो तू छोड़ क्यों नहीं देता इसे? किसके लिए छोड़ दूं? तेरे लिए? हाँ, दिमाग खराब हो गया इस आदमी। अरे इससे तो मैं बात ही नहीं करना चाहता। अरे चल चल निकल यहाँ से। सनकी कहीं क्या? चलो, और मेरे घर में आना नहीं अंदर से। सर, दीदी बकवास कर रही है, बेकार की बात है ये सब। मैं मानती हूँ मेरे पति गुस्से वाले हैं, गुस्से में कभी कभार मुझ पे हाथ भी उठा देते, लेकिन वो किसी का खून नहीं कर सकते। सर, तुम्हारे पति गगन, उनको शक था ना कि तुम्हारे और अमर के बीच कुछ चक्कर चल रहा है। अमर आपको लेने आपके घर आया था और आप भी आपके पति को छोड़कर अमर के साथ उसके घर गई थी। ठीक हो तुम? बोलो, सामान पैक कर लिया? हाँ। चल। अरे वाह, बुला लिया अपने यार को। मधु चलो यहाँ से। बाप है उसका या भाई है? इस साली के लिए किसी जीजा का खून पहली बार खोलते हुए देख रहा हूँ। साली है या आधी घरवाली भी बना चुका है? घटिया बात तो बोल रहा है ना, तेरे जैसा घटिया इंसान ही सोच सकता है। मधु सामान ले। चल मधु, अगर आज तू यहाँ से गई ना, वापस लौट कर मत आना कभी। अरे हट, देख लूंगा मैं तुझे। चल मधु। हो सकता है इस बात का गगन को गुस्सा आया होगा और गगन ने अमर को मार दिया। नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। सर, गुस्से में इंसान कुछ भी कह देता है। हाँ, गगन भी कभी कभी मुझ पे और जीजू पे शक करते थे, उनकी आदतें बुरी है, वो इंसान बुरे नहीं है सर। तुम्हारा पति तुम्हारी इतनी बेइज्जती करता था, तुमको मारता था, शक करता था तुम पे, फिर भी तुम उसकी बाजू ले रही, क्यों? सर, पति चाहे कितनी भी बेइज्जती कर ले, लेकिन समाज में तो एक औरत की इज्जत अपने पति से ही है ना। ठीक है, जा सकती हूँ। आ गई तुम? कहाँ थे तुम? कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं और तुम होगी, तुम्हारी शॉपिंग ही खत्म नहीं होती। अरे क्या हुआ? क्या कर रहे हो? आदि जग जाएगा। नहीं जाएगा, आदि सो गया है। मेरे तरफ भी तो तुम्हारी कोई जिम्मेदारी है ना, है या नहीं है? क्या खुशबू है चिकन की, भूख लग गई। अरे रुक जाओ, अभी तक पका नहीं है। पका नहीं है? क्यों? 10 मिनट और लग जाएंगे, 2 सीटी बाकी है। 10 मिनट? तो एक काम करते हैं ना, जब तक 10 मिनट में ये चिकन बनता है तब तक हम अपनी दाल पका लेते हैं। अरे तुम भी ना। अरे मैडम जी, मिठाई दीजिए, मिठाई। दादा मिठाई लीजिए ना। अरे मैडम जी, ये लीजिए मिठाई, मिठाई लीजिए। अरे सर जी, ये लीजिए। क्या चल रहा है गोपाल जी, ये मिठाई क्यों बांट रहे हो? ये मेरे बेटे का आज बर्थडे है साहब, मोहित का। वो मेरे पास नहीं है, लेकिन
मेरे साथ है साहब। लीजिए ना मिठाई, लीजिए लीजिए। अरे भैया आप भी लीजिए, खाइए खाइए। अरे दादा दादा मिठाई गया ना। अमर गगन के कॉल रिकॉर्ड और लोकेशन रिकॉर्ड कुछ सस्पिशियस मिला? सर अमर के कॉल रिकॉर्ड से पता चलता है कि जिस दिन उसका मर्डर हुआ वो विरार में था और उसके बाद वो अपने ऑफिस गया। मैंने उसके ऑफिस में पता किया। ऑफिस वालों का कहना है कि तकरीबन 6 बजे वो ऑफिस से निकला और रास्ते में 6:30 बजे उसका फोन स्विच ऑफ हो गया। इसका मतलब उसको उसी वक्त मार हो सकता है सर। लेकिन सर एक अजीब बात है, ठीक उसी रात अमर का फोन तकरीबन 9:40 पर फिर एक्टिव हुआ उसी एरिया में जहां अमर का घर है और सर वहीं पर मधु के पति गगन का फोन भी ऑन था। इसका मतलब अमर का फोन गगन के पास है और गगन ने ही अमर को मारा है। ये गगन को उठा के ला। सर सर ये सही नहीं कर रहे सर आप। सर 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 मैं सच बोल रहा हूँ ना सर, मैंने कुछ नहीं किया है। मैं अमर से नफरत करता हूँ, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप किसी इनोसेंट आदमी को उसके मर्डर के लिए फ्रेम कर देंगे। अमर का मोबाइल तेरे पास कैसे आया? सर अमर का मोबाइल मेरे पास नहीं है। झूठ बोल रहा है तू। 9:30 से 10:30 के बीच तू अमर के घर के पास था ना? सर मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था सर, मुझे बार बार ऐसा लग रहा था कि वो मधु और अमर। सर काजल करीब 9:30 सो जाती है इसलिए मैं वहाँ गया था उसके घर ये देखने के लिए कि उसके सोने के बाद उस घर में कोई हलचल होती है कि नहीं। सर मैं खिड़की से झांक रहा था लेकिन अमर उस रात उस घर में नहीं था। मैंने थोड़ी देर इंतज़ार किया और सर उसके बाद मैं अपने घर चला गया था। अगर अमर का मोबाइल तेरे पास नहीं था तो उसके घर के पास वो एक्टिव कैसे था? अमर की मौत के बाद उसका मोबाइल कौन यूज़ कर सकता है, मुझे क्या पता। हाँ खरा बोलना भाई जी। सर सर मैंने कुछ नहीं। सर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें लेने आए और क्या कर रहा हूँ? चलो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस घर में आने की? तुम्हें इस फालतू रिश्ते में बनने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा पति मर चुका है अब चलो। सर मेरे अमर को तुमने ही मारा है ना, उस दिन उसके फोन से मैसेज भी तुमने ही किए थे। मेरे साथ क्यों हरकत? ना मैंने अमर को मारा ना उसका फोन मेरे पास था। तुम मेरे साथ चलो, तुम मेरे से प्यार करती हो यार। चलो तुम मेरे साथ, छोड़ो मुझे। तुम मेरे से प्यार करती हो, भूल जाओ मुझे। भाई साहब काजल मैं थोड़े दिन के लिए यहाँ रह सकती हूँ? हाँ आओ अंदर आओ। ये क्या? पुलिस को गगन पर पूरा शक था लेकिन जिस रात अमर का मर्डर हुआ उस रात गगन के मोबाइल की लोकेशन भले ही अमर के घर के पास की थी लेकिन जिस जगह अमर की लाश मिली थी वहां गगन के मोबाइल की लोकेशन नहीं थी। पुलिस को इस बात का शक था कि शायद गगन ने किसी हिस्ट्री शीटर को पैसे देकर अमर का मर्डर करवाया था। अमर के मर्डर की इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाने के लिए पुलिस पूरी तरह से गगन के खिलाफ पुख्ता सबूत जुटाने में लग गई और उसी वक्त एक और अपराध अपनी कब्र से बाहर आ रहा था। साहब ये देखिए करने सर एक खुदाई की व्यवस्था करा। ए दम दम काफी पुराना कंकाल लगता है। बैग देखिए सर, ये स्कूल बैग या कॉलेज बैग जैसा लग रहा है। करने इधर माथी बाजू लग रहा है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट क्या हाथाच्या बाजूची माथी बाजू लग रहा है? हाँ देखा
छह उंगली। किसका घर है ये? साहब प्रदीप साहब का, वो अमेरिका में रहते पिछले चार साल से, वो अगले महीने आने वाले, उन्होंने मुझे फोन करके कहा गार्डन की कुछ साफ सफाई करके कुछ नए पौधे लगा दो, तो मैं गार्डन में कुछ नए पौधे लगाने के लिए खुदाई करने गए तो ये मिला सर। अभी कौन रहता है यहाँ? अभी तो कोई नहीं रहता साहब। पहले कौन रहता था? ये तो नहीं मालूम साहब, लेकिन दिल्ली के लोग थे मियाँ बीवी, साल डेढ़ साल रहे इसी घर में। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने खाली बंगला देख कर यहाँ पे लाश काट दी हो? ऐसा भी हो सकता है शेरगे, जो इस बंगले में रहते थे उन्होंने किसी का मर्डर कर दिया, यहाँ गाड़ दिया और बाद में चले गए। हो सकता है सर। ये स्टूडेंट की लाश लगती है। एक काम करो, आसपास के पुलिस स्टेशन में पूछताछ करो कि दो ढाई साल में किसी स्टूडेंट की मिसिंग कंप्लेंट आई है क्या, जिसको छह उंगलियां थी। ठीक है सर। और ये दिल्ली वाली फैमिली पता करो अभी कहाँ है। ठीक है सर। क्या है, क्यों बार बार फोन कर रहे हो तुम? मैंने मना किया था ना फोन करने के लिए तुमको। अभी काम हो गया है लेकिन पैसे अभी तक नहीं आए। हाँ तो मिल जाएंगे तुम्हें तुम्हारे पैसे, कुछ दिन तक चुप करके बैठे रहो समझे। तुम ये क्या कर रही हो तुम यहाँ? दीदी मैंने सोचा आपकी थोड़ी मदद कर दूँ। कोई जरूरत नहीं है, मेड आती है यहाँ, जाओ यहाँ से। खड़ी क्या हो, सुना नहीं मैंने कहा जाओ यहाँ से। सर जिस आदमी का कंकाल हमें कल मिला था उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। सर कहीं भी कोई इंजरी का निशान नहीं है, सर हो सकता है कि गला दबा कर मारा गया। किसके पता चला? सर वो आदमी है ना जो अक्सर यहाँ पे आता है, गोपाल। गोपाल मतलब वो जिसका बेटा मोहित पिछले दो सालों से गायब है? हाँ सर, मुझे लगता है कि ये मोहित का ही कंकाल है, क्योंकि मोहित के हाथ में भी छह उंगलियां हैं ठीक इस कंकाल की तरह। और वो दो साल से गायब भी है। वो मकान के मालिक प्रदीप जी जो यूएस में, उनसे कुछ बात हुई? सर मैं उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ बट अभी तक उनसे कांटेक्ट नहीं हो पाया। ये मोहित के पिताजी को बुला। ठीक है सर। सर मेरे मोहित का पता चल गया है ना? दरअसल गोपाल जी बात यह है कि आप लोगों का लाख लाख धन्यवाद, दो साल में फर्स्ट टाइम पहली बार यहाँ से फोन आया सर मुझे, इसका मतलब तो पता चल ही गया कहाँ है मेरा मोहित। बताइए ना सर, सर आंखें तरस गई सर, दो साल से देखा नहीं है उसे। नहीं हमें एक कंकाल मिला है, उसके दाएं हाथ को छह उंगली है और उसके साथ ये सामान भी मिला है। सामान ये वो उसे की बैग है, यही लेके तो वो तमिल शर्मा के यहाँ पे पढ़ाई करने जाता था सर। शर्मा कौन? वो अमर शर्मा और काजल शर्मा, उसी के यहाँ पे उस दिन पढ़ाई करने गए तो वापस आए थे साहब। वो ये फोटो देखो, यही है साहब वो अमर शर्मा, यही है वो तमिल, यही वो काजल शर्मा, इसी के यहाँ पे तो पढ़ाई करने गया था। इन लोगों ने मेरे बच्चे को मार डाला साहब, बच्चे को मारा। अब बैठ बैठ, हमें वो कंफर्म करना होगा वो कंकाल मोहित का ही, उसके लिए हमें उस कंकाल से आपका डीएनए मैच करके देखना होगा। अरे हमें जो छिड़के काजल को लेके आओ। अब प्लॉट नंबर 5 सिद्धार्थ नगर को एड्रेस को जानती हो? जी सर, हम पहले वहीं रहते थे। क्यों छोड़ा? सर ऐसे ही, उसके मकान मालिक तो यूएस रहते हैं, आप लोग उसका एग्रीमेंट तो आराम से एक्सटेंड करवा सकते थे। सर वो क्या है, उसका रेंट थोड़ा ज्यादा था। ज्यादा था? नहीं हमने तो इंक्वायरी की, इतना कुछ ज्यादा नहीं था, यानी अभी अभी जहाँ रहते हैं आप उसका रेंट और पहले वाले घर का रेंट उसमें ज्यादा फर्क नहीं था। फिर क्यों छोड़ा? मैं बताऊँ क्यों छोड़ा? मोहित की वजह से। मोहित? आप जानते हैं ना मोहित को? ये मोहित। जी सर, ये तो मेरा स्टूडेंट था, मैं इसे मैथ्स पढ़ाती थी, बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट था। सॉरी मैं वापस करता हूं। इट्स ओके, आई टीच यू। सी डेट ऑफ ड्राइंग 14th जनवरी। ओके। देन पीरियड इज 5 मंथ्स, नॉमिनल ड्यू डेट 14th जून। सर वो मुझे बहुत मानता था लेकिन फिर एक दिन अचानक वो गायब हो गया। उसके पिताजी को लगता है कि उसके गायब होने में हमारा हाथ था, लेकिन सर उस दिन हम घर पर ही नहीं थे और मैंने मोहित को कॉल करके इन्फॉर्म भी किया था कि आज ट्यूशन के लिए घर पे ना आए। कहाँ गए थे आप लोग?
मैं और अमर फिल्म देखने गए थे. वो पहले सर ने भी पूरी इन्वेस्टिगेशन की थी, उसके बाद ही हमें क्लीन चिट दी. लेकिन मोहित के पिताजी ये मानने को ही तैयार नहीं थे. घर आते थे और पत्थर मारते थे, गाली गलौज करते थे. हमने मोहित के पापा को कितनी बार समझाया कि हमें नहीं पता आपका बेटा कहाँ है, कहाँ गया है, पर वो हमारी बात सुनने को ही तैयार नहीं थे. मोहित का मर्डर हो चुका है. क्या? और उसका कंकाल तुम्हारे प्लॉट नंबर 5 सिद्धार्थ नगर के कंपाउंड में मिला है. सर मैं आपको सच बता रही हूँ, उसकी मौत में हमारा कोई हाथ नहीं था. कोई अपराध के ऊपर कितनी भी मिट्टी डाले, जब गड़े हुए मुर्दे बाहर आते हैं ना, तो बहुत सारे राज खुल जाते हैं. अभी तुम जाओ, जब बुलाऊंगा तब आना पड़ेगा. शिरके, रिकॉर्ड रूम से पता करो कि मोहित के केस में अमर और काजल की प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हुई थी क्या. ठीक है सर. और ये भी पता करो कि अमर के मौत के टाइम ये गोपाल कहाँ था, उसकी कॉल लोकेशन निकालो. ओके सर. वैसे भी अमर की मौत के बाद ये गोपाल पुलिस स्टेशन में मिठाइयाँ बांट रहा था. सर कह रहा था कि मोहित का बर्थडे है, लेकिन उस दिन मोहित का बर्थडे नहीं था. 6 महीने पहले अमर पे किसी ने जानलेवा हमला करने की कोशिश की और बाद में उसको किसी ने मार दिया. और गोपाल को ये शक है कि मोहित के गायब होने में अमर और काजल का हाथ है. तो गोपाल के कॉल लोकेशन और कॉल रिकॉर्ड निकाल. ठीक है सर. सर गोपाल के कॉल रिकॉर्ड और मोबाइल लोकेशन आ गई. सर गोपाल के फोन लोकेशन के हिसाब से जिस दिन अमर का मर्डर हुआ उस दिन गोपाल की लोकेशन क्राइम सीन के आसपास भी नहीं थी. इनफैक्ट सर उसके कॉल रिकॉर्ड में ना तो किसी हिस्ट्री शीटर का नंबर मिला है और ना ही किसी सुपारी किलर का. पूरी तरह से साफ है सर. शिरके, ये अमर को मारने के लिए जो केमिकल इंजेक्शन यूज किया गया था वो कहाँ मैन्युफैक्चर होता है, कहाँ से सप्लाई होता है, कुछ पता किया? सर इस तरह का जो केमिकल है वो कोई फार्मा कंपनी नहीं बनाती. सर मुझे लगता है कि अमर को मारने के लिए इस केमिकल को बनाया गया था. सर दरअसल ये केमिकल 2 तरह के केमिकल को मिला के बनाया जाता है. अगर एक केमिकल की मात्रा बढ़ा दी जाती है तो आदमी को पैरालिसिस होता है, और अगर दूसरे केमिकल की मात्रा बढ़ा दी जाए तो हार्ट अटैक आता है. अमर को भी इसी वजह से हार्ट अटैक आया था. इसका मतलब ये प्रीप्लान्ड मर्डर. शिरके, हमारे सामने जितने भी सस्पेक्ट हैं इनमें से कोई भी मेडिकल या फार्मास्यूटिकल फील्ड से नहीं है, लेकिन हो सकता है इनमें से किसी का कनेक्शन मेडिकल या फार्मास्यूटिकल फील्ड के आदमी से होगा. मैं पता करता हूँ सर. और एक बात, मैं अभी मोहित की फाइल देख रहा था. काजल सच बोल रही थी, जिस दिन मोहित का मर्डर हुआ उस दिन वो और अमर दोनों फिल्म देख रहे थे, सीसीटीवी फुटेज भी. फिर सर मोहित को मारा किसने और वहां पे दफनाया किसने? हो सकता है मोहित का कोई और दुश्मन हो. नहीं नहीं शिरके, इन सब का कनेक्शन कहीं ना कहीं काजल से जुड़ा है. इन सब के बीच हम काजल को भूल गए. हाँ सर, आई मीन सर उसका 6 महीने का बच्चा है, उसकी हालत देखकर लगता नहीं कि वो अपने पति का मर्डर करवाएगी. नहीं तो बात है ना शिरके, लोग अपना असली चेहरा छुपाने के लिए कई सारे नकाब ओढ़ लेते हैं. तो काजल के डिटेल्स निकालो. ठीक है सर. सर मैंने काजल के कॉल रिकॉर्ड चेक किए. सर काजल के फोन पर लगातार एक नंबर से कॉल आ रहे थे. किसका नंबर है? सर कुणाल का. सर मैंने इस कुणाल की हिस्ट्री निकाली है. सर ये कुणाल और काजल दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे. इनफैक्ट दोनों का अफेयर भी चल रहा था, दोनों शादी करने वाले थे. फिर अचानक से काजल की शादी अमर के साथ में हो गई. फिर इन दोनों की शादी के 1 साल बाद काजल और कुणाल इन दोनों की आपस में बातें होने लगी. 1.25 साल पहले इनकी लोकेशन भी चेक की. सर ये दोनों मिला भी करते थे. अभी पिछले 1.25 साल से इन दोनों का मिलना जुलना बंद है, लेकिन फोन पर इन दोनों की लगातार बातें होती. और सर जब 6 महीने पहले अमर पर अटैक हुआ था, इस कुणाल के फोन की लोकेशन अमर के घर के बाहर की थी. मतलब ये हो सकता है कि ये मर्डर काजल और कुणाल ने मिलके किया. अरे आदि बेटा क्या हुआ? अरे श, 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 मम्मा मम्मा अभी आई दूध लेकर. रोना नहीं रोना नहीं रोना नहीं, अच्छा बच्चा है ना राजा बेटा. हाँ आदि बेटा मम्मा आ रही है, बस दूध लेकर आ रही है. 2 मिनट दादी बेटा. मेरा आदि कितना अच्छा बच्चा है, मम्मा को जरा भी परेशान नहीं करता. आदि क्या हो गया? मेरे मेरा बच्चा है, छोड़ो मुझे. सर किसी ने इसका गला काटा है. सर इतने छोटे बच्चे का गला काटा है?
छह महीने के बच्चे का मर्डर तुम्हारे घर में होता है और तुम कह रहे हो तुम्हें कुछ नहीं पता। सर मैं तो खुद हैरान हूँ, मैं तो अपनी ट्रैवल एजेंसी के ऑफिस में था, नीता ने मुझे फोन करके बुलाया। सर ऐसे कैसे कोई भी दिन दहाड़े घर में घुस के बच्चे को मार सकता है? एक छह महीने के बच्चे की किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है? सर आप तो घर पे थे ना, किसने किया? सर मुझे नहीं पता, मैं तो अंदर फोन पे बात कर रही थी, बच्चा जोर जोर से रो रहा था तो मैं आई और मैंने दरवाजा बंद कर दिया और फिर से मैं फोन पे बात करने लग गई। बाकी मुझे नहीं पता सर। सर मेरे बच्चे को मैंने ही मारा, ना मैं आप लोगों से सच छुपाती और ना मेरे आदि की जान जाती। कुणाल और तुम्हारा सच? जी सर, कुणाल मेरा एक्स बॉयफ्रेंड था, हम कॉलेज में साथ में थे, दोनों शादी करने वाले थे। लेकिन तुम्हारे घर वालों ने तुम्हारी जबरदस्ती से अमर से शादी करवा दी। कुणाल से ना शादी करने का फैसला मेरा अपना था। क्यों, तुम तो कुणाल से प्यार करती थी। तब तक जब तक मैंने उसका डरावना चेहरा नहीं देखा था। काजल आई लव यू। आई लव यू टू। तुम्हें मेरे पे भरोसा तो है ना? ऑफ कोर्स, तुम ऐसे क्यों पूछ रहे हो? एक्चुअली मैं कुछ नया ट्राई करना चाहता हूँ, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? तुमने किया क्या गुनाह? अरे कुछ नहीं, ये ऐसे ही मजा आता है। इसी वजह से मैंने उससे शादी नहीं की, फिर मेरी शादी अमर से हो गई। मैं और अमर, हम दोनों साथ में बहुत खुश थे, अमर मुझसे बहुत प्यार करता था। लेकिन पिछले दो सालों से कुणाल तुम्हारे जिंदगी में वापस आ गया। जी सर, एक दिन अचानक रास्ते पर वो मुझे मिला, उसने मुझसे अपनी गलतियों की माफ़ी मांगी, फिर उसके कॉल्स आने लगे। बीच बीच में मैं उससे मिलती भी थी, पर एक दोस्त की तरह। मैंने अमर को बताया कि कुणाल मेरा कॉलेज का दोस्त है, लेकिन मैंने ये नहीं बताया कि मेरे और कुणाल में कितना गहरा रिश्ता था। ये गहरा रिश्ता अमर को पता चला, इसलिए तुमने और कुणाल ने मिलकर अमर को मार दिया। आप क्या बोल रहे हैं सर? फिर कुणाल की सच्चाई हमसे क्यों छुपाई? क्यों छुपाई? सर कुणाल ने मेरा रेप किया था। क्या? एक दिन उसने मुझे अपने घर मिलने बुलाया, मैं ये सोच भी नहीं सकती थी कि वो इतनी घिनौनी हरकत कर सकता है मेरे साथ। काजल तुम मुझसे प्यार करती हो ना? ये तुम क्या बोल रहे हो? पर हमारे रिश्ते की सच्चाई भी तो छुपाई तुमने अपने पति से। ये क्या बकवास है? तुम प्यार करती हो मेरे से? मैं अमर को सब कुछ सच बताना चाहती थी, मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और ये बात सुनकर अमर बहुत एक्साइटेड थे। तुम कुणाल से प्यार करती थी और तुम्हारे पेट में बच्चा अमर का था, इसलिए तुमने अमर को और उसके बच्चे को भी मार दिया। हादी अमर का नहीं, कुणाल का बेटा था। मैं नहीं चाहती थी कि आदि को सब गलत नजर से देखे, इसलिए ये सच्चाई मैंने किसी को नहीं बताई, अमर को भी नहीं। सर चाहे कुछ भी हो, मैं आदि से बहुत प्यार करती थी, मुझे पूरा यकीन है कि कुणाल ने मेरे अमर को मारा है। तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकती हो? सर उस रात अमर का फोन कुणाल के पास था, मुझे उस रात अमर के फोन से मैसेज आया कि मैं थोड़ी देर में घर पहुंच जाऊंगा, फिर कुणाल आया और उसने मेरा रेप करने की कोशिश की। मैं उसका चेहरा तो नहीं देख पाई क्योंकि उसने मंकी कैप पहना हुआ था, पर सर ऐसी घटिया हरकत और कौन कर सकता है? सर, मैंने कुछ नहीं किया है सर। अरे तेरे पापों की लिस्ट इतनी लंबी है ना, खुद हैरान रह जाएगा तू, समझा? छह महीने पहले अमर पे तूने अटैक किया था, तेरा मोबाइल लोकेशन उस वक्त अमर के घर का ही दिखा रहा था। इतना ही नहीं, तेरा बैंक डिटेल चेक किया है, तूने उसी दौरान 2 लाख रुपए डिपॉजिट किए थे। ये 2 लाख वही है ना जो अमर से चुराए थे? सर मैं बहुत गुस्से में था सर, सर मुझे पता लग गया था कि आदित्य मेरा ही बेटा है, मुझे लगा कि अमर को मैं रास्ते से हटा दूंगा तो काजल आदित्य को लेके मेरे पास आ जाएगी, लेकिन सर अमर बच गया था सर। और बाद में अमर को मार दिया? नहीं सर। इतना ही नहीं, उसके बच्चे को भी मार दिया? नहीं सर, मैंने किसी को नहीं मारा है सर, मैं कसम खा रहा हूँ सर, मैंने कुछ नहीं किया है सर। शिरके इसको यहीं रखो, चेक करो इसका किसी मेडिकल स्टाफ से या फार्मास्यूटिकल कंपनी से कनेक्शन है क्या, सच बोलेगा। सर एक मिनट आना। सर 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 सुरेंद्र के घर के बाहर का सीसीटीवी फुटेज आ गए, ये देखिए।
देखा, अमर के बेटे आदि को तुमने मारा ना? हाँ मारा। एक मासूम बच्चे को मारते हो तुम्हारे हाथ नहीं कांपे? मेरे मोहित को उसने मारा है, तब उनके हाथ नहीं कांपे तो मेरे हाथ कैसे कांपेंगे? अमर को भी तूने ही मारा ना? मारना तो चाहता था लेकिन मार नहीं पाया। सर, मैंने गगन, गोपाल, सुरेंद्र, नीता, कुणाल और काजल इन सबके सीडीआर और बैंक स्टेटमेंट चेक किए। सर, इनमें से कोई भी ना तो किसी मेडिकल कंपनी के टच में था और ना ही किसी फार्मा कंपनी के। कमाल है शिर की, कातिल बहुत होशियार निकला, इसने कोई सबूत नहीं छोड़ा, लेकिन हम उनसे ज्यादा होशियार हैं। एक काम करो, जितने भी सस्पेक्ट हैं उनके लैपटॉप और मोबाइल की इंटरनेट हिस्ट्री निकालो। आजकल लोग नई चीज़ की इंफॉर्मेशन के लिए इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं ना, अगर इनमें से किसी ने बाहर के आदमी की हेल्प नहीं ली होगी तो जरूर इंटरनेट के जरिए उन्होंने ये केमिकल बनाया होगा। ओके सर। सर, क्लू मिल गया सर। अब झूठ बोल के कुछ फायदा नहीं है, सच सच बता, तेरे लैपटॉप और मोबाइल की इंटरनेट हिस्ट्री से पता चला है पिछले 2 महीनों में तूने केमिकल के बारे में क्या स्टडी की है? बता, मोहित और अमर को क्यों मारा? ये क्या अनाप शनाप बके जा रहे हैं आप लोग? जिस दिन मोहित का मर्डर हुआ ना, उस दिन काजल और अमर दोनों फिल्म देखने गए थे, उसका सीसीटीवी फुटेज भी मिला है हमको, लेकिन उस वक्त तेरा मोहित के साथ कुछ कनेक्शन नहीं मिला, तू बच गया। फिर हमने तेरे 2 साल पहले के मोबाइल लोकेशन और कॉल रिकॉर्ड चेक किए, तब पता चला कि जिस दिन मोहित का मर्डर हुआ उस दिन तू तेरे ऑफिस गया ही नहीं था, और जहां उसका मर्डर हुआ वहां तेरा मोबाइल लोकेशन दिखा रहा है, और जिस पीसीओ से तूने मोहित को फोन करके बुलाया था वहां का सीसीटीवी फुटेज भी हमें मिला है। अब सच सच बता, क्यों मारा? क्यों मारा? उस दिन मैंने ही अमर और काजल को मूवी टिकट गिफ्ट किए थे। काजल ने तो मोहित को फोन करके मना कर दिया था कि आज ट्यूशन नहीं है। फिर मैंने ही पीसीओ से अमर बनके मोहित को फोन किया और उसे वहां पर बुलाया। अरे भैया आप आओ, मोहित आओ। काजल दिखाए? हाँ अंदर ही है, मैं बुलाता हूँ ना। काजल, अच्छा हुआ अमर भैया ने मुझे बुला लिया आज, वरना आज तो घर पे बैठ के बहुत पकने वाला था मैं। तो मैंने मोहित को गला दबाकर मार दिया और वहीं गार्डन में काट दिया, उसका फोन भी बंद करके तोड़ दिया मैंने। और उसके बाद में तूने अमर के मर्डर का प्लान बनाया। मैंने अमर को मरवा दिया। किसको सुपारी दी थी तूने? उमंग। उसका एड्रेस ले लो। मुझे काजल बहुत पसंद थी, जब भी मैं उसे फोन करता था हमेशा उसके साथ मोहित होता था। पढ़ाई में ध्यान दो। हाँ भाई साहब। काजल, किससे बात कर रही हो तुम? अरे भाई साहब कुछ नहीं, ये मोहित को मैं ट्यूशन पढ़ा रही थी, पर ये बच्चा ना पढ़ाई कम करता और जोक ज्यादा मारता है। आप कुछ कह रहे थे? नहीं, वो कुछ काम आ गया, मैं बाद में फोन करता हूँ। काजल को पाने के लिए अमर को रास्ते से हटाना मेरी मजबूरी थी। मेरी खुद की पत्नी ना मुझे पति की इज्जत दे पाई, ना कोई बच्चा। जब भी काजल को देखता था मुझे लगता था मेरी क्यों नहीं है। इसीलिए अमर के मरने के बाद मैं काजल को अपने घर लाना चाहता था। तेरे जीजू का मैसेज। तू एक घटिया भाई नहीं, घटिया इंसान भी है, अब सड़ जेल में। कोई भी अपराधी कितनी भी पुख्ता प्लानिंग क्यों ना कर ले, लेकिन आज नहीं तो कल वो कानून की गिरफ्त में आ ही जाता है। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूँ, फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल।
Click the show links and enjoy watching the videos.